ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अचानक बिजली कॉलोनी गोविंदपुरा स्थित कॉल सेंटर पहुंचकर बिजली से संबंधित आने वाले फोन कॉल के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने कॉल सेंटर में आने वाले फोन कॉल और रिसीव कॉल में अंतर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा को कॉल सेंटर के प्रभारी डीई और एई की वेतन वृद्धि रोकने के साथ कॉल सेंटर चलाने वाली एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कॉल सेंटर से ही शिकायतकर्ता वसीम खान और केदार सोनी से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। वसीम खान ने बताया कि वो सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक 4 फोन लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। फिर क्या, तोमर कॉल सेंटर से सीधे वसीम खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वसीम खान से उनकी समस्याएं विस्तार से सुनी और उनसे चर्चा की। खान ने बताया कि आपके आने से पहले बिजली आ गई है, बिजली बिल जमा करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद तोमर ने बिजली अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान तोमर ने ट्रांसमिशन स्टोर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जेब्रा कंडक्टर का मेजरमेंट लिया और इसकी गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने डिश इंसुलेटर की खरीदी के संबंध में पूरी जानकारी लेने के भी निर्देश दिए। इस व्यक्ति का फोन आया, मैंने फोन पे बात की आपसे, इसने कहा कि सवेरे 8 बजे से, कितने बजे से, 8:16 मिनट से मेरे घर में लाइट नहीं है। 4 बार कंप्लेंट लिखी है, तो आपकी वजह से लाइट नहीं थी, क्यों नहीं आई, सिस्टम है ना, इतने देर बाद इसके नहीं समाधान हुआ तो आपसे आएगी, आपने समाधान हुआ घर पर जाएगी, क्यों नहीं आएगी, सिस्टम क्या है। 8 बजे की लाइट, मैं मान लो इनने 5 बजे होके कराई, और तब भी आपके जाना नहीं, कितने घंटे बाद ट्रांसफर होती है, आप इधर नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।